हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 15 सितंबर 2018 की प्रीलिम्स अर्बिट्रेटर सीरीज में आपका स्वागत है। आज का जो पहला आर्टिकल है वो है डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटीज रिहेबिलिटेशन सेंटर के बारे में, DDRC के बारे में। तो इसे हम देखने वाले हैं, कंटेक्स्ट को भी हम डिस्कस करेंगे, बट कंटेक्स्ट हम बाद में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर है क्या। देखो, हमारे देश में जो भी डिसेबल पर्सन है, दिव्यांग जो लोग हैं, उनको प्रॉपर फैसिलिटी है वो मिल स्किल्स के, उनको कॉम्प्रिहेंसिव जो फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड करवाने के लिए बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा ये सेंटर्स हैं, ये बनाए जा रहे हैं। तो ये कंटेक्स्ट न्यूज से थोड़ी हमें ध्यान में रखते हुए आगे चलना है। अब देखो, बात क्या है कि हमारे देश में जो भी दिव्यांग लोग हैं या फिर डिफरेंटली एबल जो लोग हैं, उनको पुनर्वास, मतलब उनको घर रहने के लिए, घर प्रोवाइड करवाने के लिए, उनके जो भी राइट्स वगैरह हैं उनके बारे में उनको अवेयरनेस प्रोवाइड करवाने के लिए, इसके साथ ही उनको स्किल और ट्रेनिंग वगैरह देने के लिए, और उनके अंदर जो बुनियादी ढांचा है उनकी कमियों को दूर करने के लिए, और जो कैपेसिटी बिल्डअप प्रोग्राम है वो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर पे चलाए जाएंगे। तो ये तो है बेसिकली इसका मेन काम कि डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर है वो काम क्या करेंगे। तो बात ऐसी है कि अभी कंटेक्स्ट क्या है, अभी कंटेक्स्ट ये है कि इसी के कॉन्फ्रेंस है, मीटिंग है, वो आयोजित है, वो की गई थी, उसको लेके न्यूज है, वो आई है। तो यहाँ पे दो तीन चीजें हमें ध्यान रखनी है कि देखो, जो डिसेबल्ड पर्सन हैं इनके लिए कोई भी जैसे स्कीम वगैरह आती है, बेसिकली नॉर्मली वो आती है सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय के द्वारा। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, दिव्यांगजन डिपार्टमेंट है उसके अंदर डिसेबल्ड पर्सन के लिए जो आता है बेसिकली सामाजिक न्याय एंड सशक्तिकरण मंत्रालय में, और इसके द्वारा भी एक मीटिंग है, आप बोल सकते हो कॉन्फ्रेंस है, वो आयोजित है, वो की गई थी। हुआ क्या था, इस कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत जो 263 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं उनको बेसिकली शामिल किया गया, डिफरेंट NGO को शामिल किया गया, और भी जो एमिनेंट जो मतलब प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनको शामिल करके दिव्यांगजनों की जो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके किस तरीके से उनको हेल्प की जा सकती है, किस तरीके से उनको सपोर्ट दिया जा सकता है, उनका पुनर्वास वगैरह किया जा सकता है, इन फैसिलिटीज की तरफ ध्यान देने की बात तो यहाँ पे की गई है। तो ये तो कंटेक्स्ट में हमने देख लिया। अब देखो, एक चीज ये ध्यान रखनी है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर है वो बनाने तो जा रही है, बट ऐसा नहीं है कि अभी तक पूरे देश में बन गए हैं। पूरे देश में लगभग 310 जिलों को तो अभी तक आइडेंटिफाई किया गया है, और उन 310 जिलों में से 263 में अभी तक ये सेंटर्स हैं वो बना दिए गए हैं। धीरे धीरे और भी सेंटर्स बनते जा रहे हैं, इसीलिए 263 जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनको शामिल किया है। मतलब जिन जिन डिस्ट्रिक्ट में या जिन जिन जिलों के अंदर बेसिकली जो सेंटर्स बना दिए गए हैं DDRC सेंटर, उनके कलेक्टर्स को शामिल किया गया, मजिस्ट्रेट को शामिल किया गया, ताकि वो उनके जो भी पॉइंट्स वगैरह है विचार विमर्श कर सकें, किस तरीके से उनको नई फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी है, उन बातों की तरफ ध्यान है वो दिया जा सके। इसके लिए बेसिकली यह स्कीम है वो लगी थी, और यह स्कीम लाई गई थी, एक एक्ट था जिसका नाम है स्कीम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995, SIPDA। ये बेसिकली एक्ट आया था, इसके तहत ये स्कीम है वो लगी थी, और इसमें जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है वो बनाए जा रहे हैं। तो ये कंटेक्स्ट और न्यूज हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है IPC की धारा 498A के बारे में। तो इसे हम देखते हैं कि भी ये न्यूज में है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि IPC की धारा 498 है वो क्या है। चलो आप ये बताइए कि IPC की धारा 377 क्या है, काफी न्यूज में रहती है। 370 और 377 दो धाराएं काफी न्यूज में रही है हर साल, एक डेढ़ साल में। इन दोनों ही धाराओं के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि IPC की धारा 377 क्या है और IPC की धारा 370 है वो क्या है, और रिसेंटली न्यूज में भी थी 370 तो बहुत ज्यादा अभी तो काफी पॉपुलर थी, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। देखो, IPC की धारा जो सेक्शन 498 है वो बेसिकली हस्बैंड और जो रिलेटिव्स होते हैं उनको लेके है। कंटेक्ट थोड़ा देखते हैं बैकग्राउंड के साथ इसको। जैसे कि मान लो कोई हस्बैंड वाइफ है, अगर वाइफ को ऐसा लगे, वाइफ को लग रहा हो या फिर ऐसा रियलिटी में हो कि उसका हस्बैंड उसे मतलब कहीं ना कहीं प्रताड़ित कर रहा हो, या फिर उसे टॉर्चर किया जा रहा हो, या फिर उसके ऊपर अत्याचार किया जा रहा हो, क्रुएल्टी का बिहेव वो किया जा रहा हो। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि हो सकता है कि हस्बैंड खुद नहीं कर रहा हो, हस्बैंड की मदर है वो कर रही हो, मतलब ससुर सास ससुर है वो कुछ इस तरीके का कोई काम कर रहे हो कि जिससे महिला को दिक्कत आ रही है, या फिर किसी और भी पर्सन के द्वारा कोई भी काम करवाया जा रहा है जिससे कि वुमेन है उसकी प्रतिष्ठा को दिक्कत आ रही है। मतलब सीधी सी बात यह है कि जो वुमेन है उसको अगर कहीं ना कहीं किसी तरीके से उसका शोषण किया जा रहा है, चाहे मेंटली हो चाहे फिजिकली किसी भी तरीके से हो, तो शोषण से बचाने के लिए बेसिकली IPC की धारा 498 है। इसके कुछ प्रावधान थे जिनको लेके सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस वगैरह भी चेंज की थी, क्योंकि इसका काफी ज्यादा मिस यूज है वो हो रहा था कि वुमेन की बार फालतू में मतलब डरा धमका के केस वो फंसा देते थे, ऐसे काफी इश्यूज वगैरह चल रहे थे। तो अभी देखो इसमें क्या प्रावधान था, थोड़ा वो बताता हूँ। इसमें यह प्रावधान था कि कोई भी केस फाइल किया जाता है तो कम से कम 3 साल की सजा और
जमानत वगैरह वो नहीं होती थी। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जमानत है वो अलाउ हो की जाएगी, मतलब अग्रिम जमानत को अभी सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ की है। तो बेसिकली यूपीएससी ये तो नहीं पूछने वाली कि अग्रिम जमानत वगैरह सब, बट हमें ये पता होना चाहिए कि आईपीसी की धारा 498 है वो किससे रिलेटेड है, जैसे कि होमोसेक्सुअलिटी से रिलेटेड होती है या फिर एडल्ट्री से रिलेटेड है या फिर किससे हो, ऐसे फैक्ट्स हमें पता होना चाहिए। तो अब हम समझ गए कि अगर वुमेन को टॉर्चर किया जा रहा हो हस्बैंड या हस्बैंड की किसी फैमिली पर्सन के द्वारा, चाहे वो छोटा हो जाए चाहे बड़ा हो, तो एक्चुअली ये केस है वो बेसिकली इसके तहत किया जाता है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। तो इसका काफी ज्यादा मिस यूज है वो भी हो रहा था, उसी को लेकर जो कुछ गाइडलाइंस वगैरह जारी की गई थी। जैसे कि एक तो ये प्रावधान किया गया था, ये बेसिकली जुलाई के अंदर गाइडलाइन आई थी। तो आपको बता देता हूँ कि जब भी कोई इस तरह का केस आता है कि भाई वुमेन है वो केस फाइल करती है कि हस्बैंड या हस्बैंड की फैमिली उसको प्रताड़ित कर रही है, तो सबसे पहले तो जो केस है वह पुलिस है वो बेसिकली उस केस को भेजेगी डिस्ट्रिक्ट लेवल फैमिली वेलफेयर कमेटी के पास। तो फिर क्या करेगी ये डिस्ट्रिक्ट लेवल जो फैमिली वेलफेयर कमेटी है, ये एक्चुअली आइडेंटिफाई करेगी, रिसर्च करेगी, छानबीन करेगी, पता लगेगी कि क्या ऐसा सच में है और फिर किसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। इसके बाद में रिपोर्ट आने के बाद में ही अरेस्ट वगैरह का काम हो किया जाएगा। मतलब जब तक डिस्ट्रिक्ट फैमिली वेलफेयर जो कमेटी रिपोर्ट नहीं देगी तब तक किसी भी पर्सन को इसमें अरेस्ट वगैरह नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका मिसयूज बहुत ज्यादा हो रहा था और इसमें बेल का प्रावधान नहीं था पहले। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई मिसयूज बहुत ज्यादा हो रहा है तो एटलीस्ट बेल का प्रावधान होना चाहिए, ताकि जिस जो भी मतलब जिसकी गलती नहीं है उसको उचित सोल्यूशन से वो प्रोवाइड करवाया जा सके। तो उसको लेके बेसिकली भी कुछ गाइडलाइंस वगैरह आई है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है प्लेनेट और एक्जो प्लेनेट के बारे में। काफी बार ये दोनों वर्ड हमें देखने को मिलते हैं, प्लेनेट और एक्जो प्लेनेट। तो हम ये देखते हैं कि पहले तो प्लेनेट की डेफिनेशन है क्या, फिर हम देखते हैं कि एक्जो प्लेनेट की डेफिनेशन क्या है। इन दोनों ही डेफिनेशन को हम पहले यहाँ पे देखेंगे और फिर इनमें डिफरेंस भी समझेंगे। देखो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि प्लेनेट हुआ या फिर जो भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज होती हैं, इनकी डेफिनेशन हो या फिर इनके जो भी स्टैंडर्ड्स हैं वो बेसिकली दिए जाते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा, IAU के द्वारा। वही एक ऑथोराइज्ड बॉडी है जो कि रूल्स वगैरह आइडेंटिफाई करती है, उनको क्लियर करके चलती है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। अब देखो कोई भी ग्रह या कोई भी प्लेनेट है वो प्लेनेट कब कहलाएगा, उसके लिए तीन कंडीशन होती है। पहली कंडीशन तो ये है कि वो बॉडी जो स्टार के चारों ओर एक फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगा रही हो, मतलब जैसे कि मान लो कि ये कोई स्टार हो गया, जैसे अपना सन भी एक स्टार आपको पता है, तो इसके चारों एक फिक्स ऑर्बिट है, इसके अंदर चक्कर लगा रही है। जैसे कि अर्थ है उसका भी एक फिक्स ऑर्बिट है, उसमें वो बेसिकली चक्कर है वो ऐसे लगा रही है। तो ये तो हो गया, एक तो पहली कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशन ये है कि जो बॉडी एक्चुअली सन के या ग्रह के चारों चक्कर लगा रही है ना, तो उस बॉडी का कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी उसकी होनी चाहिए, ताकि उसका फायदा क्या हो, इसका बेनिफिट ये होता है कि उसकी शेप हो स्पेरिकल हो जाए। स्पेरिकल का मतलब ऐसे थोड़ी अंडाकार शेप हो जाए, क्यों जैसा हम जानते हैं कि हमारी अर्थ है वो ध्रुव पर थोड़ी चपटी है, क्यों, क्योंकि उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से थोड़ी बाहर की तरफ फैली है। देखो अदरवाइज होना तो क्या चाहिए था, अर्थ होनी चाहिए थी गोल एकदम, बट गोल नहीं है, अर्थ की शेप थोड़ी है स्पेरिकल, मतलब अंडाकार शेप है, वो क्यों है, वो ग्रेविटी की वजह से है। तो एक ये दूसरा होता है रीजन कि इसकी वजह से स्टार कहलाता है, जो प्लेनेट है वो हो सकता है। तीसरा जो रीजन है, तीसरा जो कारण है वो ये होता है कि जो भी बॉडी है प्लेनेटरी बॉडी जो कि ग्रह के चारों ओर सॉरी जो स्टार के चारों ओर चक्कर लगा रही है, उसका एरिया क्लियर होना चाहिए। मतलब जैसे कि अर्थ है वो सन के चारों ओर एक ऑर्बिट में चक्कर लगा रही है, तो जो जिस ऑर्बिट में जिस रास्ते में चक्कर लगा रही है ना, वो रास्ता क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे ग्रह का वहां पे रास्ता टक जुड़ा हो, जैसे मान लो कि ये तो हो गया सन, इसके चारों अर्थ चारों चक्कर लगा रही है, वैसा नहीं हो कि यहाँ पे एक दूसरी बॉडी हो और उसका जो मतलब पाथ है वो भी इसके बीच में क्रॉस कर रहा हो। ऐसे ऐसे क्रॉस करेगा तो मतलब कहीं ना कहीं सही नहीं है और इसकी वजह से ही काफी इशू आते हैं। तो ये जो तीसरा रीजन है, इसकी वजह से जो प्लूटो ग्रह था पहले उसको इस लिस्ट से हटा दिया गया था, क्यों, क्योंकि प्लूटो का जो पाथ था वो बाकी और जो वहां पे एस्टेरॉयड वगैरह थे उसके पाथ से मतलब टच हो रहा था, क्रॉस कर रहा था, और उसकी वजह से उसका अलग से पाथ नहीं था, अलग से रास्ता मतलब क्लियर नहीं था, और इसी वजह से उसको लिस्ट से हटाया गया था। तो तीन रीजन है, कौन तीन हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से रीजन है जिनके आधार पर किसी भी प्लेनेट को प्लेनेट या ग्रह घोषित है वो किया जाता है। अब बात करते हैं हम ड्वार्फ प्लेनेट की। देखो ड्वार्फ प्लेनेट कौन कौन से, हमें थोड़ा ये पता होना चाहिए। जैसे प्लूटो है उसको ड्वार्फ प्लेनेट घोषित किया गया है, इसके साथ एक और है जिसका नाम है सेरसस, और एक है मेकमेक, एक है एरिस और एक है हुएरा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से बेसिकली इनके बारे में पूछ सकती है, कि प्लूटो है, एरिस वगैरह न्यूज में भी कई बार रहते हैं। अब हम देखते हैं एक्जो प्लेनेट के बारे में। देखो जैसा कि हमने क्या देखा था, प्लेनेट वो होते हैं जो सन के जो भी स्टार होता है उसके चारों एक फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगाते हो,
उनकी कुछ ना कुछ ग्रेविटी होती हो और वो किसी दूसरे के पाथ को डिस्टर्ब नहीं करते हो। ये तीन कंडीशन हमने डिस्कस की। एक्सोप्लैनेट की कंडीशन ये है कि भाई वो क्या करते हैं, एक स्टार के चक्कर तो लगाते लगाते हैं, साथ में दूसरे स्टार के भी चक्कर लगाते हैं। जैसे क्या हुआ, ये देखो आप यहाँ पे, ये मान लो कि सन है, यहाँ पे हमारा स्टार है, इसके चारों ओर ये ऑर्बिट बनी हुई है जिसमें शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, अर्थ, पृथ्वी, सब चक्कर लगा रहे हैं ऐसे। तो ये ऑर्बिट होगी, इसमें चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे ऑर्बिट में अर्थ वो चक्कर लगा रही है। अब हो क्या, ये मानो कि यहाँ पे एक दूसरा स्टार और हो, जैसे कि अर्थ के पास में सबसे नजदीक स्टार कौन सा है उसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, काफी बार हम उसे डिस्कस भी कर चुके हैं। तो एक दूसरा स्टार है, अब कोई ऐसी बॉडी हो जो सन के भी चक्कर लगा रही हो साथ साथ में और इसके भी चक्कर लगा रही हो, मतलब कहीं ना कहीं इस तरीके से चक्कर लगा रही हो बॉडी, ऐसे चक्कर लगा रही हो, मतलब दो सन है उन सॉरी दो जो स्टार है उनको कवर करते हुए चल रही है, वो बेसिकली आती है एक्सोप्लैनेट में। मतलब हमारा जो एक तो है ही है सन, उसके चारों चक्कर लगा रही है और दूसरा जो और स्टार है उसके भी चक्कर लगा रही हो, तो वो आती है एक्सोप्लैनेट में। तो ये बेसिकली डिफरेंस है प्लेनेट और एक्सोप्लैनेट में। अब हम बात करते हैं रिसेंटली एक नया एक्सोप्लैनेट है जिसको आइडेंटिफाई किया गया था, जिसका नाम है वोल्फ 503b के नाम, मतलब वोल्फ 503b के। ये बेसिकली नासा का एक केपलर टेलीस्कोप है, उसके द्वारा आइडेंटिफाई वो किया गया था। तो हमें ये पर भी पता होना चाहिए कि भाई केपलर टेलीस्कोप है वो नासा का है और उसके द्वारा भी एक नया एक्सोप्लैनेट वो आइडेंटिफाई किया गया था। ये दो तीन फैक्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के बारे में, DIDF के बारे में। कंटेक्स्ट बहुत सिंपल सा है कि अभी गवर्नमेंट ने डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है उसके लिए 440 करोड़ का फंड है या एलोकेट है वो अभी किया है। फायदा क्या होगा इसका वो भी हम देखने वाले हैं। ये फंड क्यों बनाया गया वो देखते हैं। देखो आपको एक चीज तो बता दूं यहाँ पे, छोटा सा फैक्ट वो ये है कि जो ऑपरेशन फ्लड आया था वो डेयरी डेवलपमेंट के लिए आया था ताकि दूध का प्रोडक्शन है वो हमारे देश में बढ़ाया जा सके। अब आपको ये बताना है कि ऑपरेशन फ्लड है वो कब आया था, कौन सी जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आई थी उसके टाइम पे ऑपरेशन फ्लड है वो बेसिकली चलाया गया था। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था उस टाइम पे उसके बारे में आपको बेसिकली बताना है। काफी इंपोर्टेंट फैक्ट बन जाता है। आज आपके लिए 4-5 क्वेश्चन हो गए, तो प्लीज आप इनका जो आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर प्रोवाइड करवाएं। अब देखो बात यहाँ पे ये है कि जो डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है वो बेसिकली नाबार्ड के द्वारा तो बनाया गया था, नाबार्ड ने इस फंड को बनाया था। क्यों बनाया था इस फंड का, देखो मेन मोटो ये था कि जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी फार्मर्स हैं या फिर डेयरी की जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है उनको बेसिकली फंड है वो मिल सके, उनको पैसा है वो दिया जा सके। मतलब एक तरीके से डेयरी कॉरपोरेशन से किसान उसमें शामिल हो गए या फिर कोई कॉरपोरेट सोसाइटी होगी, जैसे कि अमूल डेयरी है वो एक कॉपरेटिव सोसाइटी है आनंद डेयरी के नाम से, तो ये दोनों है इस तरीके की एजेंसीज होगी, उनको लोन वगैरह मिल सके ताकि वो और ज्यादा अपनी डेवलपमेंट कर सकें और टेक्निकल इन्वेस्टमेंट है वो कर सकें। देखो जब तक उनके पास पैसा होगा तभी तो वो कुछ इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे ना, तो उनकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए इसके साथ ही उनकी कैपेसिटी को बिल्डअप करने के लिए बेसिकली ये फंड है वो बनाया गया था कि किसानों को इससे लोन मिल सके। किस कौन से किसानों को, बेसिकली डेयरी के लिए फंड है, ये ध्यान रखना है कि कोई भी किसान जो डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह लगाना चाह रहा है या फिर डेयरी फार्म वगैरह लगाना चाह रहे हैं तो उसको फंड है वो बेसिकली DIDF फंड के थ्रू मिलता है। नाबार्ड ने इसको बेसिकली बनाया था, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। नाबार्ड वो बैंकों का बैंक है, जैसा कि हम जानते हैं नाबार्ड डायरेक्टली किसी को लोन नहीं देता है, किसी पर्सन को, ये इंस्टीट्यूशन को लोन देता है और फिर इंस्टीट्यूट है वो लोगों को लोन देते हैं। जैसे आप ये समझ सकते हो कि ये नाबार्ड बैंक हो गए, जैसे ये बैंक हो गया, SBI बैंक हो गया, मान लो दूसरा बैंक हो गया, तो इनको लोन देता है नाबार्ड और फिर नाबार्ड के थ्रू जो SBI वगैरह लोन होंगे इनके थ्रू कस्टमर्स को लोन है वो मिलता है। मतलब नाबार्ड डायरेक्टली लोगों को लोन नहीं देता है, ये फैक्ट यूपीएससी पूछ सकती है, तो हमें ध्यान रखना है कि भाई क्या क्या सीन है। अभी देखो बात ऐसी है कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है उसके द्वारा बेसिकली इस फंड को इम्प्लीमेंट है वो किया गया था, बना तो दिया था नाबार्ड ने, नाबार्ड ने पैसा दे दिया कोई बात नहीं है, अब भाई इम्प्लीमेंट भी तो करना चाहिए। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और इसी के साथ ही नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट जो कॉरपोरेशन है उन दोनों ने मिलकर इसको इम्प्लीमेंट है वो किया, इसको लागू है वो किया था, ये ध्यान रखना है। काम क्या होता है इसका, काम बेसिकली इसका यही है कि जो मिल्क प्रोक्योरमेंट है, दुग्ध उत्पादन है उसको बढ़ाना है, इसके साथ ही दूध सीलिंग के जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है उसको बिल्डअप करना, दूध वगैरह की टेस्टिंग है, जो स्टैंडर्ड्स वगैरह है उनको सही ढंग से चेक करना, इसके साथ ही डेयरी प्रोडक्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको तैयार करना और एक ऐसी वैल्यू चेन क्रिएट करना जिससे डेयरी प्रोडक्शन है वो और ज्यादा बढ़ सके। तो ये बेसिकली कुछ गाइडलाइंस या कुछ इसके फीचर्स हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस की है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है फॉल आर्मी वर्म के बारे में।
फॉल आर्मी वॉर्म है, देखो एक तरीके का वर्मी या कीड़ा है, जिसे हम बोल सकते हो कि आप कीट पतंगे टाइप का, कुछ इस टाइप का यह दिखता है। तो अभी इसके द्वारा बेसिकली अटैक है वो किया गया था कहाँ पे, कर्नाटका में। तो ये थोड़ा हमें ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज है, कहाँ पे इसका अटैक वगैरह हुआ है, तो यूपीएससी इसके बारे में बेसिकली पूछ सकती है। तो फॉल फॉर्मी वॉल का मतलब है कर्नाटक में मक्के की फसल में बेसिकली इसका अटैक हुआ है। और एक फैक्ट ये भी ध्यान रखना है कि ये बेसिकली इंडियन ओरिजिन का नहीं है, यह बेसिकली नॉर्थ अमेरिकन जो कंट्रीज हैं उनमें पाया जाता था, फिर धीरे धीरे इंडिया में भी इसके सबूत वो देखने को मिले हैं। तो बस एक छोटी सी न्यूज है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वह है करतारपुर साहिब तीर्थयात्री कॉरिडोर के बारे में। देखो करतारपुर साहिब जो तीर्थयात्री कॉरिडोर है वो बेसिकली अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से इसके बारे में रिक्वेस्ट की गई है कि भाई आप इसको अनुमति दो। तो है क्या, पहले तो हम देखते हैं करतारपुर, देखो एक गुरुद्वारा है जो बेसिकली आता है पाकिस्तान में, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। पाकिस्तान के अंदर ये गुरुद्वारा है, जब भारत पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ था उस दौरान ये पाकिस्तान में रहा था। इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि गुरु नानक जो गुरु थे सिखों के वो बेसिकली 18 साल यहाँ पे रहे थे, 1539 तक, जब तक उनकी डेथ नहीं हुई थी तब तक वो बेसिकली यहीं रहे थे, तो उसको लेके काफी न्यूज में भी रहता है। तो अभी देखो पंजाब गवर्नमेंट ने बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट से गुहार लगाई है कि जो सिख कम्युनिटी है वो बेसिकली काफी बार विजिट के लिए जाती है पाकिस्तान में करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में, तो उसके लिए कॉरिडोर बनाया जाए ताकि लोग हैं वो इजीली मतलब आना जाना है उनका हो सके। तो ये हमें ध्यान रखना है करतारपुर बंगला साहिब या गुरु जो करतारपुर जो गुरुद्वारा है वो बेसिकली है कहाँ पे। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो आया है नासा का ओरियन स्पेस क्राफ्ट को लेके, तो देख लेते हैं क्या है। देखो सबसे पहली बात तो यह है कि नासा का जो ओरियन स्पेस क्राफ्ट है ये अकेले नासा का नहीं है, इसमें नासा और यूरोपियन जो स्पेस एजेंसी इन दोनों ने मिलकर बेसिकली इसको बनाया है। तो ये एक तो इफेक्ट ध्यान रखना है, ये बेसिकली बनाया क्यों गए हैं, क्या इसके फीचर्स वगैरह हैं वो भी हम देखते हैं। देखो जो ओरियन स्पेस क्राफ्ट है ये एक तरह का स्पेस क्राफ्ट है जो कि बेसिकली ह्यूमन को स्पेस में ले जाने के लिए है। इसमें लगभग 3 से 4 के आसपास जो की कैपेसिटी होगी उन लोगों को एक्चुअली स्पेस में ले जा सकेगा। और इसका मेन मोटो तो ये है कि जो अर्थ की लोअर ऑर्बिट है उसके थ्रू बेसिकली चांद के ऊपर ले जाना। तो अभी एक्चुअली यूएसए का एक नया मिशन आने वाला है, उस मिशन में इस ओरियन स्पेसक्राफ्ट का यूज वो होने वाला है। तो हमें ये ध्यान रखना है ओरियन स्पेसक्राफ्ट है ये बेसिकली ह्यूमन को मतलब बाहर ले जाने के लिए है स्पेस से, और उनको फिर वहां पे लैंडिंग वगैरह होगी और उनको वापस भी लाने के लिए है, तो उसको लेके एक चीज है वो ध्यान में रखनी है। तो कुछ इसके इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स हैं जिनके बारे में यूपीएससी पूछ सकती है। एडवांस टेक्नोलॉजी का है, पुरानी टेक्नोलॉजी नहीं है, इसीलिए इसका नाम वगैरह वो चेंज किया गया है। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। और जो पीडीएफ है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, वेलकम यूपीएससी की वेबसाइट है वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और जो फेसबुक का पेज है वहां पे भी देखो आपको क्वेश्चंस वगैरह मिलते हैं, तो प्लीज आप वहां पे भी आंसर देने की कोशिश है वो कीजिएगा।